गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर इंग्लिश क्लासेस। सागर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो क्लास नाइन्थ में आपका इंग्लिश में आता है द फन दे हैड, इसके शॉर्ट आंसर्स के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों पार्ट जो है हमने पढ़ा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देख लेते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे हमको क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में राइट करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि 2 मार्क्स ईच, प्रत्येक एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 मार्क्स 2 अंक मिलेंगे एग्ज़ाम में। और इसको कैसे राइट करना होता है, अबाउट 30 to 40 words ईच, 30 या 40 शब्द के अंतर्गत जो ही आपको सभी प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है हर एक क्वेश्चन का। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ वाज द बुक दैट टॉमी फाउंड डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन बुक्स। हाउ वाज द बुक दैट टॉमी फाउंड, वह किताब जो टॉमी ने पाई थी किस प्रकार डिफरेंट थी, डिफरेंट मतलब अलग थी, फ्रॉम हिज ओन बुक्स, अपनी खुद की किताबों से। टॉमी को जो किताब मिली थी वो किताब उसकी खुद की किताबों से या स्वयं की किताबों से किस प्रकार डिफरेंट थी, अलग थी। तो आंसर क्या है, द बुक दैट टॉमी फाउंड वाज एन ओल्ड रियल बुक विच बिलोंग टू हिज ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर। इट हैड क्रिंकली येलो पेजेस, वेयर एज टॉमीज बुक्स वर टेली बुक्स बाई मकैनिकल टीचर कंप्यूटर्स। क्या बोला गया, देखो, द बुक दैट टॉमी फाउंड, वह किताब जो टॉमी को फाउंड मीन्स मिली थी, वॉज एन ओल्ड, पुरानी बुक थी, और रियल बुक, वास्तविक किताब थी, विच बिलोंग्ड, जो कि संबंधित थी, किससे संबंधित थी, टू हिज ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, यानी उसके दादाजी के दादाजी की थी। इट हैड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब क्या है, तुड़े मुड़े, येलो मीन्स पीले पेज, उसके जो पृष्ठ थे पेज थे वो कैसे थे, पीले थे और तुड़े मुड़े थे। वेयर एज, जबकि टॉमीज बुक्स, जो टॉमी की किताबें थी वो कैसी थी, वर टेली बुक्स, उसी किताबें कैसी थी, टेली किताबें थी, टेली बुक्स थी, बाई मकैनिकल टीचर्स, जो कि यांत्रिकी अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई जाती थी। और वो मकैनिकल टीचर्स कौन होते थे, कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड टॉमी शो टू मार्जी। व्हाट काइंड, किस प्रकार की बुक माने किताब, टॉमी मतलब टॉमी ने, शो माने दिखाई, किसको, मार्जी को। टॉमी ने मार्जी को किस प्रकार की किताब दिखाई, तो यहाँ पे क्या देखिए, द बुक दैट टॉमी शोड टू मार्जी, जो किताब टॉमी ने मार्जी को दिखाई, वाज एन ओल्ड, वो एक पुरानी किताब थी, रियल बुक, वास्तविक किताब थी, विच बिलोंग टू हिज ग्रैंडफादर्स, जो उसके दादाजी के दादाजी से संबंधित थी। इट हैड क्रिंकली येलो पेज, इसके पेज कैसे थे, तुड़े मुड़े और पीले थे। वेयर ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड द वर्ड्स स्टूड स्टिल। वेयर, जहाँ पर ऑल द स्टोरीज, सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड मीन्स छपी होती थी, ऑन पेपर, कागज़ पर, क्योंकि ये किताबें ऐसी थी जहाँ पर सारी कहानियाँ पेपर यानी कागज़ पर छपी होती थी। एंड द वर्ड्स स्टूड, और जो इसके वर्ड होते थे शब्द, वो स्टूड होते थे मीन्स स्थिर होते थे एक ही जगह पर। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है व्हाई डिड मार्जी होप दैट काउंटी इंस्पेक्टर वुड टेक अवे हर मकैनिकल टीचर। व्हाई डिड मार्जी होप, मार्जी क्यों आशा करती थी कि काउंटी इंस्पेक्टर जो था मीन्स निरीक्षक, ठीक है, क्षेत्रीय निरीक्षक जो था काउंटी इंस्पेक्टर, वुड टेक अवे हर मकैनिकल टीचर, कि वह उसके मकैनिकल टीचर को, मतलब उसके कंप्यूटर को, उससे दूर ले जाएगा,
ऐसी उसकी आशा क्यों थी? तो आंसर क्या है, मार्जी होप्ड दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड टेक अवे हर मैकेनिकल टीचर बिकॉज सी हैड परफॉर्म्ड पुअरली इन ऑल द जियोग्राफी टेस्ट एंड हैड डेवलप्ड ए स्ट्रांग डिसलाइकिंग फॉर द स्कूल। क्या इसका सेंस हो जाएगा, समझ लीजिए कि मार्जी होप्ड, मार्जी आशा करती थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है, क्षेत्रीय निरीक्षक है, वुड टेक अवे, वो दूर ले जाएगा हर मैकेनिकल टीचर, उसके कंप्यूटर को या उसके यांत्रिकी अध्यापक को, बिकॉज क्योंकि सी हैड परफॉर्म्ड पुअरली। उसने किस प्रकार का काम किया था, पुअर, बहुत बेकार, किसमें, इन ऑल जियोग्राफी टेस्ट, जियोग्राफी के सारे टेस्ट में उसने बहुत बेकार काम किया था। एंड हैड डेवलप्ड ए स्ट्रांग डिसलाइकिंग फॉर स्कूल, और स्कूलों के प्रति उसकी एक डिसलाइक जो थी, मीन्स नापसंद करने की इच्छा, वो बड़ी स्ट्रांग हो गई थी, दृढ़ हो गई थी। अर्थात उसने एक विद्यालयों को नापसंद करने की दृढ़ इच्छा विकसित कर ली थी या बना ली थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, टॉमी थॉट द ओल्ड बुक्स वर फनी एंड अ बिग वेस्ट, व्हाई? टॉमी ये क्यों सोचता था कि जो ओल्ड बुक्स हैं, पुरानी किताबें, वर फनी, वो क्या थी, विचित्र थी, एंड बिग वेस्ट, और बहुत बड़ी बर्बादी का कारण थी, मीन्स पैसों को वेस्ट करती थी, व्हाई, क्यों? टॉमी ऐसा क्यों सोचता था कि किताबें जो है विचित्र हैं और बड़ी बर्बादी का कारण है, क्यों ऐसा सोचता था? तो आंसर है, टॉमी सोचता था दैट द ओल्ड बुक्स, की जो पुरानी किताबें हैं, वर ए वेस्ट, ये एक पैसे की बर्बादी है, बिकॉज क्योंकि द वर्ड्स स्टूड, क्योंकि इसमें जो वर्ड होते हैं, शब्द, वो एक ही जगह पर स्थिर हो जाते हैं, स्टिल एंड डिड नॉट रन, और वो चलते नहीं हैं, मीन्स एक ही जगह पर स्थिर हो जाते हैं, वो चलते नहीं हैं। ही ऑल्सो थाट, वो ये भी सोचता था दैट कि दे वर ए बिग वेस्ट बिकॉज, कि वे एक बहुत बड़ी बर्बादी है पैसों की, क्योंकि दे कुड नॉट बी रीयूज्ड लाइक द स्क्रीन ऑफ दियर मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उनको दोबारा फिर से रीयूज्ड नहीं किया जा सकता था, पुनः उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता था, किसकी तरह, लाइक द स्क्रीन, स्क्रीन मतलब पटल, किसका पटल, ऑफ दियर मैकेनिकल टीचर, ठीक है, जो उसका यांत्रिकी अध्यापक था, मीन्स कंप्यूटर जो था, तो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है टेलीविज़न का, उस टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाखों वर्ड्स चलते रहते हैं, नए वर्ड्स आते रहते हैं, जबकि बुक में जो वर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक ही जगह पे स्टूड हो जाते हैं, मतलब स्थिर हो जाते हैं, दोबारा उसकी जगह पे कोई वर्ड्स नहीं राइट किए जाते, जबकि टेलीविज़न पे, मीन्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे, बार बार वर्ड्स चेंज होकर आते रहते हैं, तो वो वेस्ट नहीं है, बल्कि किताबें क्या हैं, वेस्ट हैं, क्यों, क्योंकि उनको दोबारा रीयूज्ड, पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, क्या कह रहा है, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू इम्प्रूव मार्जीज परफॉर्मेंस, मार्जी के कार्य को इम्प्रूव करने के लिए या सुधारने के लिए, मार्जी के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए, काउंटी इंस्पेक्टर जो था, क्षेत्रीय निरीक्षक, उसने क्या किया? तो आंसर है, द काउंटी इंस्पेक्टर फाउंड दैट जियोग्राफी सेक्टर हैड बीन जियर्ड अप टू क्विक, मतलब जो क्षेत्रीय निरीक्षक था, उसने पाया कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था, भूगोल का जो क्षेत्र था, हैड बीन जियर्ड टू क्विक, उसको थोड़ा जल्दी में समाप्त कर दिया गया था, ही स्लोप्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, उसने इसको इतना स्लो कर दिया, धीमा कर दिया, जैसे कोई 10 ईयर लेवल, मीन्स 10 वर्ष के औसत बच्चे के समान, जो है उसको क्या कर दिया, 10 वर्ष के स्तर तक उसको क्या कर दिया, स्लो कर दिया, धीमा कर दिया। ही फाउंड द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्जी क्वाइट सेटिस्फैक्टोरी, ही फाउंड द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्जी, उसने मार्जी के शेष कार्य को कैसा पाया, क्वाइट सेटिस्फैक्टोरी, मीन्स पूर्णतया संतुष्टिपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव,
मार्जी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे? तो लिखा है मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी और टॉमी के जो अध्यापक थे वो मैकेनिकल टीचर होते थे, जिनको कंप्यूटर कहा जाता था, एंड टेली बुक्स, जो टेली बुक्स थी। देयर स्कूल हैड नो सेपरेट बिल्डिंग। उनका जो स्कूल होता था उसकी कोई अलग से बिल्डिंग नहीं होती थी, उसकी कोई अलग इमारत नहीं होती थी। दे हैड रोबोटिक टीचर्स सोइंग लेसन्स एंड टेस्टिंग पेपर्स। उनके जो अध्यापक होते थे वो रोबोटिक होते थे, रोबोट होते थे, जो कि सोइंग मीन्स दर्शाते थे, लेसन्स मीन्स पाठों को, और टेस्ट पेपर्स को कहाँ पर? स्क्रीन पर। दियर टीचर्स वर ऑलवेज ऑन एंड वेटिंग फॉर देम। उनके जो टीचर्स थे मीन्स अध्यापक, ऑलवेज ऑन, हमेशा रेडी रहते थे, तैयार रहते थे, एंड केप्ट वेटिंग फॉर देम, और उनकी प्रतीक्षा किया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल। मार्जी स्कूल से हेट क्यों करती थी, मीन्स घृणा, नफरत क्यों करती थी? तो आंसर है मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज, सॉरी, विच वाज अ रूम इन हर हाउस ओनली बिकॉज हर टीचर वाज अ मैकेनिकल वन। क्या देखिए, मार्जी हेटेड स्कूल, मार्जी स्कूल से घृणा करती थी, कौन से स्कूल से? विच माने जो कि वाज अ रूम, एक कमरा था, इन आर हाउस उसके घर में, ओनली मतलब केवल, उसके घर में केवल एक कमरा था, वही उसका स्कूल था। बिकॉज, क्योंकि हर टीचर, उसका जो अध्यापक होता था वाज अ मैकेनिकल वन, वो एक यांत्रिकी अध्यापक होता था, मीन्स कंप्यूटर होता था। इट केप्ट गिविंग हर टेस्ट पेपर्स। वो लगातार उसको टेस्ट पेपर्स दिया करता था, मीन्स टेस्ट दिया करता था, परीक्षण दिया करता था। वेयर आंसर्स हैड टू बी रिटन एज पंच कोड। जहाँ पर उसको अपने उत्तरों को एक पंच कोड में लिखना होता था, कैसे? पंच कोड में। द रिजल्ट्स वर गिवेन इंस्टेंटेनियसली। और जहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर पर उसके रिजल्ट्स, यानी तुरंत तुरंत रिजल्ट भी दर्शा दिए जाते थे। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन प्रेजेंट स्कूल एंड द स्कूल डिस्क्राइब्ड इन द लेसन द फन दे हैड। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं द फन दे हैड, इसमें जिस प्रकार के स्कूलों की बात की गई है इस लेसन में, और जो प्रेजेंट टाइम में इस समय पर स्कूल हैं अभी, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या भिन्नताएं हैं, ये आपको बताना है। तो इन प्रेजेंट डे स्कूल्स, अगर वर्तमान समय के स्कूलों की बात करें, तो स्टूडेंट्स स्टडी टुगेदर इन सेपरेट बिल्डिंग्स। सभी स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग इमारतों में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड टीचर्स आर ह्यूमन बींग्स। और अध्यापक कौन होते हैं, कोई मानव, कोई मनुष्य होता है। वेयर एज, जबकि इन द लेसन, जो पाठ हम पढ़ रहे थे, इसमें एक ऐसे स्कूल थे, स्कूल वाज एट होम, स्कूल घर पर होता था, एंड द टीचर वाज मैकेनिकल। और टीचर कैसा होता था, मैकेनिकल, यांत्रिकी होता था, मीन्स एक कंप्यूटर जो होता था वो अध्यापक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। हाउ मीन्स कैसे, टॉमी डिस्क्राइब्स, टॉमी वर्णन करता है द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने समय के अध्यापकों का, पुराने समय के अध्यापकों का किस प्रकार से टॉमी जो है वर्णन करता है। तो आंसर क्या है, अर्लियर, प्रारंभ में, द टीचर्स वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स। जो शुरुआत में अध्यापक होते थे वो नॉट मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे। दे टॉट द चिल्ड्रेन इन ए स्पेशल बिल्डिंग। वे छात्रों को एक विशेष बिल्डिंग में, इमारत में पढ़ाते थे। वेयर ऑल चिल्ड्रेन वेंट टू लर्न, जहाँ सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। दे आस्क्ड क्वेश्चंस एंड गिव देम होमवर्क। वे अध्यापक क्या करते थे, आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रश्न भी पूछते थे, एंड गिव होमवर्क, और उनको गृह कार्य भी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, हाउ डिड मार्जी फाइंड द बुक स्ट्रेंज। मार्जी को वो किताब विचित्र कैसे लगी। तो आंसर है द बुक हैड येलो एंड क्रिंकली पेज। उस किताब के जो पेज थे वो पीले थे, पृष्ठ जो थे येलो थे, और क्रिंकली, तुड़े मुड़े थे। एंड द वर्ड्स स्टैंडिंग स्टिल, और जो उसके वर्ड थे, शब्द, वो स्टैंडिंग स्टिल, स्थिर खड़े हुए थे, शांत, अनलाइक मूविंग ऑन ए स्क्रीन,
अनलाइक, जो बिल्कुल डिफरेंट थे, अलग थे किससे, मूविंग ऑन ए स्क्रीन, जो स्क्रीन पर वर्ड चलते हैं उनसे बिल्कुल अनलाइक, डिफरेंट थे, अलग थे। व्हेन दे टर्न्ड बैक, जब उन्होंने पलटा, किसको पलटा, पेज, पृष्ठ को, किस लिए, रीड बिफोर, पहले का पढ़ने के लिए, तो देयर वर द सेम वर्ड्स ऑन इट व्हेन दे रीड इट एट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहले पृष्ठ पर जो चीज़ पढ़ी थी वही चीज़ जो है उनको फिर जब वापस उसी पृष्ठ पर आए तो वही वर्ड्स फिर उनको उस पृष्ठ पर मिलते हैं। ऑल दीज थिंग्स वर स्ट्रेंज फॉर मार्जी, ये चीज़ें मार्जी के लिए थोड़ा स्ट्रेंज थी, विचित्र थी, कि जो वर्ड्स उसने पहले पृष्ठ पर पढ़े थे वही वर्ड्स उसको अगले पृष्ठ पर भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, व्हाट डिड ही डू, व्हाई डिड मार्जीज मदर, मार्जी की माँ ने क्यों सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक को क्यों बुलाया, व्हाट डिड ही डू, और उस क्षेत्रीय निरीक्षक ने किया क्या, तो आंसर है मार्जी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन जियोग्राफी टेस्ट, मार्जी जो थी वो जियोग्राफी, भूगोल के टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, अच्छा जो है लिख नहीं पा रही थी आंसर में, इसलिए द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द टीचर अपार्ट, जो क्षेत्रीय निरीक्षक था वो टीचर को मीन्स कंप्यूटर को किनारे ले गया, एंड पुट इट टुगेदर अगेन इज इट्स अ जियोग्राफी सेक्टर, और उसने पुनः उसके भूगोल के क्षेत्र को क्या कर दिया, सही कर दिया, सुधार दिया, जो कि वाज जियर्ड ए लिटिल टू क्विक, जिसको कि थोड़ा जल्दी में समाप्त कर दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो इनका वीडियो में जो है अगला वाला वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, इनका आंसर्स जो है नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, तो तब तक के लिए आप इतने शॉर्ट आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, वरना वीडियो हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा, है ना, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रेडी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।